सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप को ट्रांसपेरेंट मोड में कैसे यूज करते हो, मार्च के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल करना है, व्हाट्स टूल बोल के। यहाँ पे देखिए, इस ऐप को आपको सेलेक्ट करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करना है, गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। यहाँ पे इसको अनेबल कर देना है, इजी व्हाट्स स्कैन टूल्स फॉर व्हाट्सएप बोल के। इसको अनेबल करने के बाद आपको इसे बैक जाना है, अलाउ कर देना है, फिर से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे देखिए, वॉक एंड चैट मस्ट यूज, इसको ओपन करना है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन को अनेबल कर देना है। यहाँ पे देखिए, इजी वॉट्स कैन टूल्स फॉर व्हाट्सअप, इसको ओपन करना है और यहाँ पे अनेबल कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको इसे बैक जाना है। अब आपको यहाँ से अपना व्हाट्सअप ओपन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका व्हाट्सअप ट्रांसपेरेंट मोड में अनेबल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से चैट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चैट में भी आपको ट्रांसपेरेंट मोड अनेबल हो चुका है। तो आप इस तरह से व्हाट्सएप में ट्रांसपेरेंट मोड को अनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँ तो छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक जिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।